हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एम्सलर पोलर प्लानिमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कंपोनेंट पार्ट्स को समझेंगे, उसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। क्योंकि अगर कंपोनेंट्स हमें ठीक तरीके से पता हो तभी हम प्लानिमीटर को, एम्सलर पोलर प्लानिमीटर को सही तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। एक फार्मूला होता है और उस फॉर्मूले में फिर हमारी जो कुछ भी रीडिंग्स आती हैं उन रीडिंग्स को हम पुटअप करते हैं, जिससे हमें एरिया का जो कुछ भी एरिया है हमें पता चल जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पोलर प्लानिमीटर होता क्या है। एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, एम्सलर उनका नाम था। उन्होंने इरेगुलर एरिया को फाइंड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, तो इसीलिए पोलर प्लानिमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट को उनके नाम के साथ में हम जानते हैं, एम्सलर पोलर प्लानिमीटर। अगर कोई एरिया जिसका शेप इरेगुलर है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम पोलर प्लानिमीटर का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई रेगुलर फिगर हो, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूलेज अवेलेबल होते हैं। ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर कर दोगे, आपका एरिया मिल जाएगा। बट अगर कोई इरेगुलर शेप है, जैसे कोई परकोलेशन टैंक है, कोई रिजर्वायर है, जहां पर इरेगुलर शेप में वाटर का स्टोरेज हुआ है, आपको उस एरिया को कैलकुलेट करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मैप है उस मैप को हम क्या करेंगे, ट्रेस कर लेंगे उसकी बाउंड्री को बाय यूजिंग पोलर प्लानिमीटर, और फार्मूले को यूज करके हमें एरिया पता चल जाएगा। तो एम्सलर पोलर प्लानिमीटर का यूज होता है टू नो द एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। हम कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में अभी एक एक कंपोनेंट्स पोलर प्लानिमीटर को देख देख के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये होता है बॉक्स हमारे पोलर प्लानिमीटर का। इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, इस तरीके से इसकी क्लिप्स होती हैं। इन क्लिप्स को ओपन करने के बाद में यहां पर कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। जो भी कंपनी मेड होता है वो कंपनी मेड कॉन्स्टेंट्स देते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है एरिया कैलकुलेशन के लिए उसमें हमें दो कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है, एक एम और दूसरा है एक सी। तो ये दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमें कंपनी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से गिवन होती है। और यहाँ पर इस पार्ट में हमारा पोलर प्लानिमीटर इस तरीके से अरेंज किया हुआ रहता है। हमें वन बाय वन इसको रिमूव कर लेना है। देखिए, ये एक पार्ट रिमूव कर लिया, ये एक दूसरा पार्ट मैंने रिमूव कर लिया, ये एक मैग्नीफायर है इसको हमने रिमूव कर लिया, ठीक है। अभी हम एक एक कंपोनेंट को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं इनको कनेक्ट यहाँ से किया जाता है, यहाँ से इस पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं, जिससे ये दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। इनकी रोटेशन वगैरह जो कुछ भी हमारा यूज है ये प्रॉपर हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे वाला पहला वो जो पॉइंट है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये एक नॉब गिवन है, इसको पकड़ के हम क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट पिन है, देखो ये पिन, तो ट्रेसिंग पिन भी हम इसको कहते हैं कई दफ़ा। इस वाले पॉइंट को हम जो एरिया, जिसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है उसकी बाउंड्री पे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा हम कौन से डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो कुछ भी बाउंड्री है, जो कुछ भी हमारा एरिया है उसके ऊपर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करते हैं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग पॉइंट। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ये वाला जो आर्म है इसको कहते हैं आर्म, तो यहां पर ये ट्रेसिंग पॉइंट है, तो इसीलिए ये जो आर्म रहेगा इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग आर्म, ठीक है। इस पॉइंट को हम पकड़ के जो कुछ भी हमारी बाउंड्री रहेगी उस बाउंड्री के ऊपर हम इस तरीके से पोलर प्लानिमीटर की ट्रेसिंग पॉइंट को हम बाउंड्री पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ये वाले पार्ट को हम कहते हैं ट्रेसिंग आर्म और ये वाले पार्ट को हम कहते हैं एंकर आर्म। दिस आर्म, दिस इज द सेकंड पार्ट, इसको हम कहते हैं एंकर आर्म। और इसके लास्ट में यहाँ पर एक लगा होता है ड्रम, और यहाँ पर एक साथ में उसकी एक पिन पॉइंटेड होता है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये ड्रम और वेट, इसमें कुछ तो भी सर्टन वेट होता है जिसकी वजह से रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। और इस पॉइंट को हम कहते हैं हिंज।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि हिंज क्या होता है, तो ट्रेसिंग आर्म और एंकर आर्म को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हिंज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ट्रेसिंग आर्म में यहाँ पर ये दो जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं क्लैम्प्स। दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड एज क्लैम्प्स। उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये एक स्क्रू की तरह से है जो स्लोली रोटेट होता है, इसको कहते हैं हम स्लो मोशन स्क्रू, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो ये एक व्हील है जो कि रोटेट होता है। यहां पर देखिए मार्किंग आपको नजर आ रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, लास्ट 9 तक की उसमें रीडिंग्स होती है। जब हम ये बाउंड्री पे रोटेट करते हैं तो उसकी वजह से यहां पर चेंजेस होते हैं रीडिंग्स में, तो इसको क्या कहते हैं, डायल। दिस इज डायल। और यहां पर ये एक रीडिंग है, ये एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं व्हील। जब हम रोटेट करते हैं पोलर प्लानीमीटर को तो ये भी एक रोटेट होता है इस तरीके से, देखिए, तो इसको हम कहते हैं व्हील। व्हील पर से दो डिजिट की हमें रीडिंग मिलेगी, व्हील पर से सिंगल डिजिट मिलेगा, व्हील पर से डबल डिजिट की रीडिंग्स मिलेगी, और ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसको हम कहते हैं वर्नियर। तो एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पोलर प्लानीमीटर से कितने डिजिट्स में आपको रीडिंग मिलती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4। 4 डिजिट्स में हमें जो वैल्यू है, जो रीडिंग है, वो 4 डिजिट्स में मिलती है। मान लीजिए आपकी रीडिंग आती है 4.375 फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या, दिस 4 इंडिकेट्स द रीडिंग ऑन दिस डायल। ये जो डायल है आपका, इस डायल पे का जो रीडिंग रहेगा फर्स्ट डिजिट, तो ये फर्स्ट डिजिट आपका कहां से मिलेगा, आपको इस डायल पे से मिलेगा। तो पहला रीडिंग आप यहां से नोट करोगे और वो उसके बाद में आप क्या करोगे, पॉइंट लगा दोगे। उसके बाद में ये जो व्हील रहेगा, इस व्हील पर से आप जो वर्नियर का जीरो है इसके अगेंस्ट में जो कुछ भी रीडिंग है वो सेकंड दो डिजिट में आप नोट करोगे, ठीक है। 3.7, जैसे यहां पर 3.7 है, ये दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल के लिए वैल्यू है ये। तो ये जो व्हील है इस पे से आपको दो डिजिट में आपको वैल्यू को नोट करना है, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो आपको कहां से नोट करना रहेगा, वर्नियर पे से। दिस पार्ट इज वर्नियर। तो वर्नियर पे से जो लाइन आपकी मैचिंग रहेगी उस लाइन को, उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्नियर पे से लास्ट वाले डिजिट को लेना रहेगा। इस तरीके से टोटल कितने डिजिट्स होंगे आपके, 4 डिजिट्स में आपको रीडिंग मिलने वाली है। और ये एक पार्ट है मैग्नीफायर, ऑब्वियसली इसका यूज क्या रहेगा, मैग्नीफाई करने के लिए। तो किसको मैग्नीफाई करने की जरूरत पड़ेगी, हमें यहां से जो रीडिंग्स हैं हमको देखने में, रीड करने में प्रॉब्लम होगा, तो यह इसीलिए हम इसको मैग्नीफायर के तौर पर मैग्नीफाई कर लेंगे, जिससे हम रीडिंग एक्यूरेटली नोट कर पाएंगे। तो इस तरीके से वेरियस कॉम्पोनेंट्स जो हैं पोलर प्लानीमीटर के, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इन सारे कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से जान लेने के बाद में ही हम पोलर प्लानीमीटर को एक्चुअली हम यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोलर प्लानीमीटर को यूज करके एरिया किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।